मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने बीजेपी के लिए उम्मीदें और कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ा दी। एग्जिट पोल में सामने आया कि कांग्रेस को शून्य से एक सीट मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी के पास 28 से लेकर 29 सीटें जा सकती है। अब इस बार बीजेपी नेता उमा भारती का बयान सामने आया। उमा भारती ने अनुमान लगाते हुए कहा कि बीजेपी को 450 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने बीजेपी के लिए उम्मीदें और कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ा दी। एग्जिट पोल में सामने आया कि कांग्रेस को शून्य से एक सीट मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी के पास 28 से लेकर 29 सीटें जा सकती है। अब इस बार बीजेपी नेता उमा भारती का बयान सामने आया। उमा भारती ने अनुमान लगाते हुए कहा कि बीजेपी को 450 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने बीजेपी के लिए उम्मीदें और कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ा दी। एग्जिट पोल में सामने आया कि कांग्रेस को शून्य से एक सीट मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी के पास 28 से लेकर 29 सीटें जा सकती है। अब इस बार बीजेपी नेता उमा भारती का बयान सामने आया। उमा भारती ने अनुमान लगाते हुए कहा कि बीजेपी को 450 से कम सीटें नहीं मिलेंगी।